कोटासरा के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और जो कांग्रेस ने कलंकित करने का काम किया वो अब नहीं हो रहा। साथ ही कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़ा दिखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की संस्कृति को कलंकित करने का काम किया है। पेट में दर्द इस बात को लेकर है कि उनके राज में जो राजस्थान को कलंकित करने वाली घटनाएं हुई वो अब हो नहीं रही है। राजस्थान विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और राजस्थान ने जिस तरीके से प्रगति की है पिछले 8-9 महीने में वो कांग्रेसियों के पक्ष नहीं रही है। जिस तरीके से ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो बरसों पुराना प्रोजेक्ट था वो उसका एमओयू हुआ, जिस तरह यमुना जल समझौता हुआ, जिस तरीके से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, जिस तरह बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई और 157 अभियुक्त पकड़ के लेकर आए, जिस तरीके से संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाई और जिस तरीके से भारत की बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 2,24,000 करोड़ का एमओयू किया गया और जिस तरीके से ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है इससे कांग्रेसियों को अपच शुरू हो गई है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो उलूल जुलूल बयान सारे दिन देते रहते हैं। वो उलूल जुलूल बयान इसलिए भी देते हैं कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे वो अशोक गहलोत हो उनसे बड़ा दिखने के लिए इस तरह की उलूल जुलूल बात करते हैं। लेकिन हम भी बहुत समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत सारे हजारों लोग इतिहास में भी और वर्तमान में भी राजस्थान में राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कभी भी राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति को कलंकित करने का काम नहीं किया भाषा की मर्यादा के साथ। ये काम अकेले और अकेले गोविंद सिंह डोटासरा ने किया केवल सुर्खियां लाने के लिए। राजस्थान की जो सांस्कृतिक मर्यादा है, राजस्थान की जो राजनीतिक संस्कृति है उसके ऊपर कलंक लगाने का काम केवल गोविंद डोटासरा